केवल अशोकर सुरक्षा अशोक को सुरक्षित रखिबा मु किछि बुझि पारलिनि आचार्य कृपा करी स्पष्ट भावरे कहंतु सम्राट उज्जयिनी रे युद्ध करूथिबा समय रे शत्रु माने आपण को उपरे प्राणघातक आक्रमण करथिले आपण को प्राण संकट रे थिला आउ मोते जणा थिला जे आपण को प्राणर रक्षा केवल देवी सुभद्रांगी ही करि पारिबे सेथि पाई आपण को प्राणर रक्षा निमन्ते आपण को उपचार पाई मु देवी सुभद्रांगी को आपण को पाखरे रखिथिलि आउ देवी सुभद्रांगी को एहा ज्ञात थिला जे आपण को प्राणर रक्षा अर्थात शत्रुंक द्वारा देवी सुभद्रांगी आउ अशोकर हत्या सम्राट देवी सुभद्रांगी तो सम्राटंक निमन्ते निज प्राणर बलिदान दबा पाई तत्पर थिले किंतु निज पुत्र अशोकर प्राणर बलिदान दबा पाई प्रस्तुत नथिले आउ सेथिपाई देवी सुभद्रांगी मोते वचन मागिले आउ कहिले मु सम्राटंक प्राणर रक्षा अवश्य करिबि किंतु आपण मु अशोकर माता बोली ए कथाकु आपण सदा सर्वदा गोपन रखिबे आउ सम्राट एई वचन पूरण निमन्ते ही एई कथाकु मु गोपन रखिथिली आउ एहा ही सत्य तथापि आचार्य आपणंकर ए सत्य लुचैबार कोण आवश्यकता थिला वचन तो वचन होइथाय सम्राट सम्राट मु कोण कहि आश्वस्त करिथांती तांकु जेउठि सम्राट स्वयं सुरक्षित नुहंति सेठी सम्राट माता और पुत्र को रक्षा करि पारिबे खान केवल एठी की कारण आचार्य हाँ देवी हेलेना अशोक सुरक्षार यहाँ ही कारण आउ देवी सुभद्रांगींकर एभळी अपमृत्यु घटिबा एही कथाकु सिद्ध करुछि देवी सुभद्रांगींकर भय अकारण नथिला अमूलक भी नथिला आउ मु निश्चित रूपरे कहि पारिबि निश्चित रूपरे देवी सुभद्रांगींकु व्याघ्र आक्रमण करि नथिला किंतु शत्रु माने ही आक्रमण करी तांकु हत्या करी छंते शत्रु माने हाँ सम्राट ये आपण कौन कहते आचार्य मु स्वयं बनरे थिले मु सुभद्रांगींकर शब देखी तांकर मुख को विकृत कर दीथिला बाघ देखंतु सम्राट शत्रु माने ना केवल देवी सुभद्रांगींकर मुख विकृत करिछंती
बरं आमर भावना आ बुद्धि को भी विकृत कर दैछन्ति। जमिति आमे व्याघ्र आक्रमण करि देवी सुभद्रांगी को हत्या करिछि ए सत्य को स्वीकार करि नबा आउ एहा भी सत्य, किंतु सम्राट एहा संपूर्ण असत्य, संपूर्ण असत्य। एक कथा आपण एते विश्वासर सहित किपरि कहि पारथंती आचार्य? कारण जेबे मु देवी सुभद्रांगी को पार्थिव शरीरर दर्शन पाई जाईथिली सेतेबेले मु देखिथिली जे देवी सुभद्रांगी को मुखरे आउ दुई हाथरे व्याघ्रर नखर आक्रमणर चिन्ह थिला। आउ सम्राट कौनसी भी नरभक्षक स्वापद अन्य एक प्राणी उपरे दुईटी कारण जोगु आक्रमण करिथाए, प्रथम तो सुरक्षा जोगु, द्वितीय रे भक्षण जोगु। आउ कौनसी भी व्याघ्र अन्य एक प्राणी उपरे आक्रमण करिबा बेले सर्वप्रथमे से प्राणीर कंठ प्रदेश रे आक्रमण करिथाए अथवा तार मज्जा थिबा स्थान रे। सम्राट जदि से व्याघ्र सुरक्षा निमन्ते देवी सुभद्रांगी को उपरे आक्रमण करिथांता तेबे तांको कंठ अथवा मज्जा थिबा स्थान रे आक्रमण करिथांता, किंतु देवी सुभद्रांगी ना कंठ उपरे आघात थिला ना मज्जा थिबा स्थान रे। जदि भक्षण जोगु भी व्याघ्र देवी सुभद्रांगी को उपरे आक्रमण करिथांता तेबे देवी सुभद्रांगी को कौनसी ना कौनसी अंग अवश्य भक्षण करिथांता से व्याघ्र, किंतु देवी सुभद्रांगी को पार्थिव शरीर यथावत ही थिला। सेति पई यहार सुस्पष्ट अर्थ एया सम्राट, देवी सुभद्रांगी को व्याघ्र आक्रमण करि नथिला, किंतु शत्रु माने आम को भ्रमित करिबा निमन्ते देवी सुभद्रांगी को शरीर को व्याघ्र नखरे आक्रमण करिथिले आ वेहा ही सत्य। आचार्य हे सामान्य कथा पाए आपण एचि बर संजे उत्पन्न करु छंती। देवी हेलेना अनुसंधान हेउ सत्य जहा भी थिबो प्रकट हेइ जिवो, किंतु एभली षडयंत्र की रचना करिवो आउ काहेकि जदि आपणकर आशंका थिला आचार्य तेबे आपण निजर गुप्तचर को सेठी की पठे एही षडयंत्र रो पूर्वरु प्रतिकार काहेकि करि देले नि? आपणकु स्वयं सुभद्रांगींकर सुरक्षा सुनिश्चित करिबा उचित थिला, किंतु परिस्थिति एमिति सम्राट जे एठि शत्रु आ मित्र को चिन्हिबा असंभव, किंतु मु आपण को आश्वस्त करूछि सम्राट मु शत्रु को अवश्य खोजी बाहर करि देबी अवश्य। महामात्य सम्राट आपण आचार्य चाणक्य को समस्त प्रकार सहायता करंतु। अवश्य सम्राट, जो स्त्री मो प्राण दुई दुई थर रक्षा करिथिला से जीवित थिबा बेले मु ता पई किछि भी करि पारिनि। किंतु तार स्वर्गवास परे मु मोर कृतज्ञता व्यक्त करिबाकु चाहुछि, सेथिपाई एहा मोर आदेश सुभद्रांगी दाह संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान सहित करा जीव। यथाज्ञा सम्राट।